दोस्तों ये है माय हैरम इज एंटायरली फीमेल ड्रिवन विलन्स का एपिसोड 68। तो चलो बिना ज्यादा देर के स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम भूचंद को देखते हैं जो कि अभी भी लड़की बना हुआ है। वो सिल्वी से बोलता है, लड़ना ही हमारे लिए एक रोता रास्ता नहीं है इंसानों और एल्फ्स के बीच शांति बनाए रखने का, और भी कोई तरीका जरूर होगा। क्योंकि दोस्तों अगर तुम्हें पता ना हो तो बता देता हूँ, हमारे हीरो ने जिस ब्रीफ से लड़ाई की थी उसके कुछ टुच्चे मुच्चे लोगों ने एल्फ्स और इंसानों के बीच एक चिंगारी लगा दी है जिसमें वो सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। अगर तुम लोगों ने ना देखा हो तो तुम लोग पुराने एपिसोड को चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद चैन सिल्वी से बोलता है, तुम गॉडेस ऑफ हारमोनी के पास जा सकती हो और वो तुम्हारी मदद कर सकती है लोगों का दिल ठीक करने में, जिससे उनके दिल का जो गुस्सा है और इविलनेस है वो समाप्त हो जाए और उन सभी के बीच यानी कि एल्फ्स और इंसानों के बीच एकता आ जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं दूसरी गॉडेस को कांटेक्ट करूंगा। लेकिन तभी सिल्वी बोलती है कि नहीं, क्या तुम्हें पता नहीं कि जो दूसरी गॉडेस है वो तुम्हारा अभी पीछा कर रही है, तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। हाँ, सिल्वी की बात सुनकर भूचंद बोलता है, हाँ मुझे ये पता है, लेकिन युद्ध एक ऐसी चीज है जिसे ना तुम ना मैं कोई भी नहीं देखना चाहता, ना ही उसे फेस करना चाहता है, और ये इस सिचुएशन की कंडीशन ही है। क्या ही फर्क पड़ता है अगर मैं तुम्हारे लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दूं। भूचंद की बात सुनकर सिल्वी बोलती है कि नहीं भूचंद, तुम्हारा मिशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हें अपने मिशन को हमारे प्यार के लिए नहीं भूलना चाहिए। मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगी जिससे लोगों के बीच जितने भी अनबन हो चुकी है उसे मैं ठीक कर पाऊं। लेकिन जो सिल्वी है वो इसी मौके पर सोच भी रही थी, लेकिन जो प्रेपरेशन है वो अभी तक इनफ नहीं है, और जो गॉडेस ट्रायल है वो भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है, और मेरी गॉडेस होने की जो आइडेंटिटी है मुझे उसे रिकवर करना होगा इस युद्ध के शुरू होने से पहले, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर ये जो गॉडेस ट्रायल है ना वो शुरू होने वाला है। हमें बैकग्राउंड में से किसी पर्सन की आवाज आती है, हम यहाँ पर सभी का स्वागत करते हैं, यहाँ पर होने वाला है गॉडेस ट्रायल। एंड उसके बाद हम यहाँ पर गॉडेस ऑफ हारमोनी को देखते हैं, एंड ये उसका एक क्लोन होता है। वो बोल रही होती है कि और मैं इस ट्रायल को संभालूंगी, और इस ट्रायल के बीच जो भी इस ट्रायल में भाग लेगा उसकी जान को बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा हो सकता है, और आपका जो ट्रायल है वो गॉडेस ऑफ क्रिएशन के गाइडेंस के अंडर ही होगा, क्या आप तैयार हैं? उसके बाद हम देखते हैं गॉडेस ऑफ हारमोनी के सामने तीन लड़कियां जिनमें रोजा, सिल्वी और एक और लड़की जो वहां पर गॉडेस ट्रायल देने के लिए आई है वो होते हैं। सिल्वी बोलती है, ठीक है माय लॉर्ड हारमोनी। उसके बाद जो सिल्वी होती है वो बोलती है, रोजा आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हाँ क्या यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है, चलो जल्दी से वापस चली जाओ। रोजा बोलती है, नहीं मैं भी एक गॉडेस की कैंडिडेट हूँ यहाँ पर। उसके बाद रोजा बोलती है, जो ट्रायल है ना वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, अगर सिस्टर सिल्वी अच्छे तरीके से तैयारी करके नहीं गई तो उनकी जान भी जा सकती है आज, लेकिन अगर हम दोनों ने एक साथ पार्टिसिपेट किया तो हम में से कोई ना कोई एक गॉडेस जरूर बन जाएगी, और उसके बाद जो हमारे एल्फ क्लैन के लोग हैं उन्हें उन घटिया नोबल्स की बातों में नहीं आना होगा, ना ही उनसे कोई कर्ज लेना होगा। रोजा की ये बात सुनकर सिल्वी उससे कुछ नहीं बोल पाती, वो बिल्कुल चुप हो जाती है। दूसरी तरफ हम भूचंद, लुओली और शियायुएन को देखते हैं, जहाँ पर जो लुओली होती है वो मस्ता नाम से अपनी लॉलीपॉप खा रही होती है, लेकिन जो शियायुएन होती है वो लुओली को देख रही होती है कि क्या ये चॉकलेट खा रही है, लॉलीपॉप खा रही है। लेकिन उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं जो एक लड़की जो गॉडेस ट्रायल में भाग लेने के लिए आई थी, कैंडिडेट थी, वो उस टेलीपोर्टेशन गेट से बाहर फेंक जाती है, एंड उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, एंड उसके तुरंत बाद ही सिल्वी और रोजा उस लड़की के पास आते हैं। लेकिन जब सिल्वी उसे चेक करती है तो उसके दिल की धड़कनें रुक चुकी होती हैं, यानी कि दोस्तों एल्गोरियस के अंदर इस लड़की की जान जा चुकी है। उसके बाद जो सिल्वी होती है वो थोड़ी उदास हो जाती है, और जो रोजा होती है वो भी उदास होती है, वो बोलती है, रोजा सिस्टर सिल्वी उदास मत हुई है, क्योंकि वो अपने जोखिम कर अंदर गई थी और वो मेंटली प्रिपेयर्ड थी। जब आप यहाँ पर नहीं थी तो हम सभी को लगता था कि आप यहाँ पर कभी भी वापस नहीं आएंगे, इसी वजह से जितने भी लोग जो एल्स क्लैन को और भी ज्यादा बेहतर बनाना चाहते थे उन्होंने गॉडेस ट्रायल दिया, लेकिन उन पर भगवान की कृपा नहीं रही और वो सभी फेल हो गए और मारे गए। उसके बाद सिल्वी उस ट्रायल गॉडेस की कैंडिडेट की आंखें बंद कर देती है और उसे बोलती है कि तुम्हारी सोल वहीं चली जाए जहां से तुम आई थी, महान लॉर्ड मदर के पास। उसके बाद जो गॉडेस ऑफ हारमोनी होती है वो बोलती है, जो इस ट्रायल गॉडेस का स्पेस है ना जहां पर आप ट्रायल के लिए जाते हो वो थोड़ा बिगड़ सा गया है, क्या तुम अभी भी इसे कंटिन्यू रखना चाहती हो? हा? गॉडेस ऑफ हारमोनी की बात सुनकर रोजा और सिल्वी एक दूसरे को देखते हैं, एंड उसके बाद सिल्वी बोलती है, अब बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है, मुझे जल्दी से जल्दी जाना चाहिए और इस गॉडेस ट्रायल को देना चाहिए। जो रोजा होती है वो बोलती है कि सिस्टर सिल्वी मैं आपके साथ चलूंगी। सो सिल्वी बोलती है कि तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं है, तुम बस मेरा बाहर इंतजार करो। सो रोजा को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है, वो मुंह फुला लेती है, एंड उसके बाद सिल्वी के अंदर जाने से पहले ही रोजा अंदर चली जाती है, और सिल्वी ये देखकर हैरान हो जाती है, एंड उसके पीछे पीछे सिल्वी भी अंदर चली जाती है। वो बोलती है, रोजा तुम अभी बिल्कुल बच्ची की बच्ची हो, जल्दी से वापस आ जाओ। एंड उन दोनों के अंदर जाने के बाद जो गॉडेस ऑफ हारमोनी है वो अपने टाइमर को ऑन कर देती है, एंड उसके बाद हम देखते हैं जो ट्रायल है
वो चालू हो गया होता है। उसके बाद हम वुचेन को देखते हैं जो कि शिया युएन को देखकर बोलता है, आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो। शिया युएन बोलती है, अचानक से ही मुझे एक फेमिलियर फोर्स महसूस हो रही है उस स्पेस गेट के अंदर से। और अगले मूवमेंट में हम देखते हैं जो शिया युएन होती है वो हैरान होते हुए बोलती है, नहीं ये ताकत तो माँ की है, इविल मदर डीमनेस। सिल्वी और रोजा बहुत बड़े खतरे में हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं उस स्पेस गेट के अंदर से बहुत ही ज्यादा ब्लैक ऑरा निकलने लगता है, जिसे देखकर गॉडेस ऑफ हार्मोनी हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या है। जो समय और स्पेस है वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुके हैं अब, और जो ब्लैक ऑरा है वो गॉडेस ऑफ हार्मोनी के और भी करीब आता जा रहा है। गॉडेस ऑफ हार्मोनी घबराते हुए बोलती है, ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब तरह की पावर है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, ना ही मैं इस पावर से लड़ पाऊंगी। लेकिन अगली मूवी में हम देखते हैं जो हमारा हीरो वुचेन होता है वो दौड़ कर कहीं जाने लगता है, एंड वो दौड़ते हुए उस स्पेस गेट के अंदर जाने लगता है। जो गॉडेस ऑफ हार्मोनी है वो ये देखकर हैरान हो जाती है, एंड वो वुचेन से बोलती है, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। और वो सोच रही होती है कि कितनी तेज, आखिर ये लड़की है कौन। एंड उसके अगले मूवमेंट में हम देखते हैं जो वुचेन होता है वो उस स्पेस गेट के अंदर एंटर हो जाता है, छलांग मार देता है। एंड पीछे से जो गॉडेस ऑफ हार्मोनी होती है वो बोलती है कि अगर तुम जल्दी से बाहर नहीं आए तो तुम इस टाइम एंड स्पेस गेट के अंदर टुकड़ों टुकड़ों में फट जाओगे। उसके बाद हम देखते हैं शिया युएन और लुओली दौड़कर गॉडेस ऑफ हार्मोनी के पास आते हुए बोलते हैं, गॉडेस ऑफ हार्मोनी आखिर तुमने उसे अंदर जाने से क्यों नहीं रोका, क्या तुम्हारा ही कर्तव्य नहीं बनता कि तुम किसी को भी अंदर जाने से रोको। हाँ, उसके बाद जो शिया युएन है वो बोलती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, वुचेन का क्या होगा, अगर वुचेन बाहर नहीं आया तो वो मर जाएगा। जैसे ही गॉडेस ऑफ हार्मोनी ये बात सुनती है कि वुचेन, वो बोलती है कि अभी अभी तुमने क्या कहा, क्या वो जो लड़की अभी अभी अंदर गई वो वुचेन थी। एंड उसके बाद हम देखते हैं ये बात सुनकर गॉडेस ऑफ हार्मोनी भी अपने घुटने टेक देती है, उसे सदमा सा लग गया है, और अब उस स्पेस गेट के अंदर से कोई भी बाहर नहीं निकला है। एंड उस स्पेस गेट को देखकर गॉडेस ऑफ हार्मोनी बोलती है, वुचेन आखिर तुम इतने बेवकूफ क्यों हो। उसके बाद हम दूसरी तरफ वुचेन को देखते हैं जो कि उस स्पेस गेट के और अंदर आता जा रहा है, और वहां पर कुछ आग की लपटें भी हैं जो उस पर पड़ रही हैं। लेकिन इस वक्त वो सिर्फ रोजा और सिल्वी के बारे में सोच रहा है, वो सोच रहा है कि आखिर तुम दोनों कहां पर हो। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जो वो आग की लपटें होती हैं वो उस पर अपना इफेक्ट डालना स्टार्ट कर देती हैं। वो बोलता है, मेरी बॉडी जल रही है। एंड उसके बाद हम देखते हैं उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, उसकी बॉडी पर चारों ओर से वो आग अटैक कर रही होती है, क्योंकि गॉडेस ट्रायल में सिर्फ एल्फ ही भाग ले सकते हैं, लेकिन हमारा हीरो तो एक एल्फ है ही नहीं। अरे भैया एल्फ छोड़ो, गॉडेस बनने के लिए तो एक लड़की होना चाहिए, वो तो लड़की भी नहीं है, लड़का है। लेकिन तभी हम देखते हैं हमारे हीरो को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, पर उसके पास दो हाथ आने लगते हैं। वो हाथों से आवाज आती है कि बिल्कुल चिंता मत करो तुम, मैं यहाँ पर आ गई हूँ। एंड उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं ये होती है गॉडेस ऑफ क्रिएशन, जो बोलती है कि मेरे प्यारे सन इन लॉ, मुझ पर यकीन रखो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। एंड हमारा हीरो भी उन्हें देख लेता है, वो बोलता है कि सासू माँ। लेकिन उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा थक गया था उन अटैक्स की वजह से, सो वो बेहोश हो जाता है, और जो गॉडेस ऑफ क्रिएशन है वो उसे अपने सीने से लगाकर बोलती है, जो स्पेस एंड टाइम इविल गॉड ने खराब कर दिया है, अब मैं वो सही करने के जिम्मेदारी तुम्हें देती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं गॉडेस ऑफ क्रिएशन के पीछे से बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी आने लगती है, एंड वो बोलती है, डाउन स्टार प्लीज मेरी बेटियों को बचा लेना और उनका ख्याल रखना। उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि हमारा हीरो जो कि बेहोश था वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा है, एंड उसके सामने एक लड़की है जो बोलती है कि बिग सिस्टर क्या आप ठीक हो। एंड उसके बाद हमारा हीरो तुरंत ही उठता है, वो बोलता है, सिल्वी तुम कहाँ हो। वो लड़की वुचेन को इस तरीके से देखकर हैरान हो जाती है कि ये क्या है। उसके बाद जो वो लड़की है वो बोलती है, सिल्वी आखिर ये कौन है, मेरा नाम तो मिया है। सो दोस्तों अगर तुम जानना चाहते हो कि अब हमारा हीरो क्या करेगा और ये लड़की कौन है, अब हमारा हीरो सिल्वी और रोजा को कैसे ढूंढेगा, आखिर वो दोनों हैं तो हैं कहाँ पर, और भाई ये लड़की कौन है जो इस तरीके के पुराने फटे मटे कपड़े पहने हुए, ये क्या कोई गुलाम है, ये सब जानने को मिलेगा तुम लोगों को अगले एपिसोड में, क्योंकि हमारा ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो चुका है। सो अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस एपिसोड का कौन सा पार्ट तुम्हें अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।